और यार कितनी खतरनाक क्लाइंब है, हिल कैसे रहा है देख रहे हो आप, हिल रहा है पूरा का पूरा टावर हिल रहा है साला हवा से, क्योंकि हाइट पे और पूरा लकड़ी का तो बना हुआ है तो हिल रहा है साला। कैसे आवाज आ रही है देखो लकड़ी की उसके। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, वेलकम टू गेम कीपर्स। अब पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अजय बनपुर को पहले तो एक्सप्लोर करता है, जगह जगह लोगों से बातें करता है, जहां से इसको पता लगता है कि अमिता और सबाल दोनों ही गोल्डन पाथ के लीडर्स हैं और दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं कि किस तरीके से हमें गोल्डन पाथ को चलाना चाहिए और किस तरीके से पेगन मिन से वापस हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। खैर उसके बाद अजय सीधा जाता है अमिता के पास, दोनों के पास ही एक एक मिशन होते हैं अजय के लिए, तो अपन सबसे पहले अमिता को चूज करते हैं। तो अमिता सबसे पहले इसको भेज देती है पास के एक गांव में, जहां पे इसको जाके एक भेड़ियों का इन्फेस्टेशन खत्म करना है। वहां पे एक उनकी वोल्फ्स की केव है जिसको इसने खत्म करना है, आप ये सब पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो अपन फाइनली भेड़ियों को खत्म करने के बाद अब मिशन को आगे बढ़ाते हैं, आज अपन सबाल वाला मिशन करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरे को स्टोर में जितनी चीजें मेरे पास लूट बैग में मेरा भर गया था लूट बैग, तो मैं वो चीजें बेच रहा हूँ। ये एक स्किन भी बेच दी है मैंने ताकि थोड़ा सा सामान कम हो जाए, लूट बैग में अपनी लिमिट है कि कितना सामान ले सकते हैं अपन। खैर अब मेरे को यार सबसे पहले तो एक वो बो खरीदना है, इसमें एक अच्छा वाला बो था तो मैं पहले वो ले लेता हूँ। अरे यार एक मिनट, ये जो सिग्नेचर वेपन्स आप देख रहे हो, ये सिग्नेचर वेपन्स वो हैं जो अपन को इस गेम में फ्री मिलते हैं, मतलब मोस्टली फ्री मिलते हैं, कुछ सिग्नेचर वेपन फ्री मिलते हैं बाकी अपन को खरीदने पड़ते हैं। लेकिन सिग्नेचर वेपन्स बड़े अच्छे वेपन्स हैं जो ऑलरेडी मॉडिफाइड है, अटैचमेंट्स वगैरह इसमें लगे हुए होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये एक पिस्टल चेंज कर लेता हूँ। यार बड़ी अच्छी पिस्टल मिल गई है अपन को, ये देखो आप इसमें साइलेंसर भी लगा हुआ और एक मार्क्समैन साइट भी लगा हुआ है जो मतलब अपन को निशाना दिखाएगा, वो भी बड़ा अच्छा लगा हुआ है। तो बड़ी अच्छी गन है ये, तो मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे को अब एक वो बो खरीदना है, रिकर्व बो लेना है अपन को, हंटर बो अपने पास है ऑलरेडी, रिकर्व बो लेना है तो मैं ये ले लेता हूँ, ये बहुत शानदार है। तो सबसे जरूरी बो मुझे इसलिए लगता है इस गेम में क्योंकि बो से अपन स्टेल्थली मार सकते हैं जितने भी एनिमीज है उनको। मेरे को एक ये मार्क्समैन साइट भी परचेज करनी है, ये ले लेता हूं मैं। पेंट अभी नहीं करते, अभी अपन अपने पास पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे हो जाएंगे तब पेंट कर लूंगा। और साइड आर्म अपन ले ही चुके हैं ऑलरेडी, अब अपन को एक और वेपन होल्स्टर बनाना पड़ेगा जिससे पहले अपन अभी और वेपन नहीं ले सकते। तो वेपन होल्स्टर बनाने के लिए मुझे अभी स्किन्स चाहिए एनिमल की, तो अभी अपन जंगल में चलेंगे ना तब देखेंगे चल के कि कौन से एनिमल की स्किन चाहिए, तो वो एनिमल की स्किन लेके अपन फिर एक वेपन होल्स्टर और क्राफ्ट कर लेंगे। तो जैसे ही अपने पास एक और वेपन के लिए जगह हो जाएगी तब अपन एक और वेपन कैरी कर सकते हैं। फिलहाल अपन दो ही वेपन कैरी कर सकते हैं, एक साइड आर्म और एक मेन वेपन। तो मेन वेपन में मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये बो एंड एरो ही है क्योंकि ये स्टेल्थली मार सकता है और मुझे स्टेल्थली मारना ज्यादा पसंद है बजाय एकदम सामने से जाके असॉल्ट करने के जिसमें मरने के चांस ज्यादा होते हैं। तो सबाल का मिशन यहाँ पे अपन इसको स्टार्ट करते हैं। Give him some morphine. क्या हो रहा है ये? वो किसी को चोट लगी हुई है, सबाल उसका इलाज करने में लगा हुआ है। ओके What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough. I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcast locally. Except... I can do it. Way to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. Promise me you won't fall? I promise. I won't. ये क्या होता है प्रोमिस मी यू वॉन्ट फॉल? कोई प्रोमिस कर सकता है क्या? कोई जान के गिरता है क्या? कैसी बातें करते हैं यार। खैर सबाल ने अपन को बोला है वो बेल टावर जो अपन ने शुरू में देखा था ना, ये वाला देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये बेल टावर जो है यहां से, यहां स्पीकर लगे हुए हैं ठीक है, और यहां से स्पीकर भी लगे हुए हैं और यहां पे ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक तरीके का रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है यहां से, जो पेगन मिन अपनी बातें जैसी चाहता है वैसी वहां से ब्रॉडकास्ट करता है और लोगों के रेडियोज में वही बातें आती हैं, तो वो जो चाहता है वो बोलता है, तो गलत गलत झूठ बोलता है लोगों को। तो उसका जो प्रोपोगंडा है उसको खत्म करने के लिए ये रेडियो टावर जो है ये अपन को हाईजैक करना है जिससे गोल्डन पाथ वाले फिर लोगों को सच्चाई बता पाए कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो इसलिए अपन को अब ये टावर जाके हाईजैक करना है। मुझे लगा कोई एनिमी है। तो यहां से अपन, अरे वाह यार यहां से जिपलाइन कर सकते हैं, मस्त यार। तो ये टावर जब अपन हाईजैक कर लेंगे उसके बाद अपन गोल्डन पाथ वाले
इसमें अपना ब्रॉडकास्ट करेंगे और लोगों को सच्चाई बताएंगे, जिससे लोगों को पेगन मिन की सच्चाई पता लगी कि अभी पता नहीं है ये कौन है यार। अच्छा ये तो शेरपा है जिससे अपन सामान खरीद सकते हैं, इससे कोई डर नहीं है अपन को। ये तो एक तरीके की मूविंग शॉप है, ये चलता फिरता शॉप है, इससे जब चाहे अपन इससे ट्रेड कर सकते हैं चीजें। खैर मैं ये ले लेता हूँ एटीवी और इस पे अपन चलते हैं सीधा उस टावर पे जहां पे अपन को जाना है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये टावर अपन को हाईजैक करना इसलिए जरूरी है ताकि अपन पेगन मिन की सच्चाई लोगों को बता पाए। जो कीरत के नागरिक हैं उनको कुछ भी पता नहीं है सच्चाई, तो वो इसी से पता लगी। नीचे कहीं पे लड़ाई हो गई है। अरे ये क्या है, पूरा मेरे को लगा सांप है साला, अजीब सा ग्रीन कलर का। इसमें सांप होते हैं बड़े खतरनाक और बहुत बुरी तरह काटते हैं साले। जब मेरे को पहली बार सांप ने काटा था मेरे को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। अरे वाह ये लेना था अपन को मस्त। अरे वाह शानदार यार, ग्रैपल टूल मिल गया अपन को। अब अपन आए शानदार, अब अपन चढ़ सकते हैं जगहों पर। ये क्या हुआ, अरे यार मेरी रस्सी पत्थरों में फंस गई। मैं छोड़ गया, एक बार दोबारा से करता हूं। शानदार, देखो पास में कोई चिल्ला रहा है, आ ईगल। ईगल हमला कर देती है अचानक से, और ईगल से बचना भी बड़ा ही मुश्किल है इसमें गेम में। अचानक अटैक कर देती है साली, अभी तो दिख नहीं रही, प्लेयर को अटैक करती बहुत खतरनाक खतरनाक जगहों पे। और अच्छा अच्छा ये जो सोल्जर मरा हुआ है इसी को मारा अभी अभी ईगल ने लग रहा है। चलो यहां से अपन ग्रैपल कर लेते हैं और ओके पकड़ लिया मैंने दूसरी तरफ। शानदार है यार ये गेम में, इतना अच्छा मैकेनिक्स, इतने अच्छे हैं इस गेम में। अच्छा साइड आर्म मेरे पास ऑलरेडी है तो मेरे को दूसरी साइड आर्म की जरूरत नहीं है। एमओ मिल गया मेरे को उसका हैंड गन का, और मैंने उसको सोल्जर को सर्च भी कर लिया और भी कोई चीज के लिए। अब अपन को डबल ग्रैपल करना है हवा में ही, देखो एक और ग्रैपल करना है। शानदार, ये शानदार है यार, ये बहुत ही रियल गेम है साला। ओके अरे वो सोल्जर है यार, यहाँ तो साला वो सवाल कह रहा था कोई सोल्जर नहीं है, दो तो दिख गए मेरे को। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अरे वाह ये तो मेरे को लग रहा है कोई बी हाइव है। अरे मस्त, मधुमक्खियों का छत्ता है, इसमें मार दूंगा ना तो ये मधुमक्खियां अटैक कर देंगी उसी सोल्जर के ऊपर। ये बढ़िया है, चलो मैं पहले ये ऊपर वाले सोल्जर को मार देता हूँ ये साला, क्योंकि अपन को देख लेगा जैसे ही अपन चलेंगे ना। तो इसको मारने के लिए मैं पहले ऊपर वाले को ही मारता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। और देखो उसकी बातें चल रही है ऑलरेडी, जोर जोर से स्पीकर लगा हुआ है, वो साले की बातें चल रही है कि पेगन मिन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एक मिनट यार ये हिल बहुत ज्यादा रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा निशाना चूक जाए। मैं एक मिनट, इसको साले को यहाँ पे आएगा ना, ये यहाँ पे जैसे ही खड़ा होगा तब मारूंगा साले को। साला एक ही हेडशॉट, देखा अब कितना शानदार है ये। मैं बंदूक चलाता ना तो ऐसा काम नहीं हो पाता। यस ये हुई ना बात, वो मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया उस पे साले पे। अरे मर भी गया साला, ये शानदार चीज है, मजा आ गया, किसी को पता भी नहीं लगा और अपन ने निपटा दिया इतने प्यार से सालों को। यार ये रेड रेड दिख तो रहा है मेरे को कुछ वहीं पे, हो सकता और हो साला सोल्जर कोई है ना। तो मैं जरा धीरे धीरे चलता हूं, मेरे को पता है नहीं है यहाँ पे और है कि नहीं है, धीरे धीरे चलता हूं, अभी दिख जाएगा अगर और होगा तो। इसी टावर को अपन को पूरे को क्लाइम करना है और इसके ऊपर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जहां से ब्रॉडकास्ट हो रही है उसको अपन को हाईजैक करना है। तो अरे भाई इधर तो कोई भी नहीं है सोल्जर, नीचे भी कोई भी नहीं है, कोई दिख तो नहीं रहा है, कोई नहीं है। मैं चुपचाप ये लूट लेता हूं और अब अपन चल सकते हैं। यार कोई सोल्जर मेरे को लग तो रहा था कि कोई है, कोई भी नहीं है शायद, मधुमक्खियां खत्म हो गई यहां से, भाग गई। चलो अरे वाह ये भी हटाना है अपन को, नो गोल्डन पाथ लिखा हुआ था उसके ऊपर, तो ये भी पेगन मिन का ही लगाया हुआ एक वो है स्टिकर टाइप का, पोस्टर टाइप का। तो ये अपन को जहां जहां दिखेंगे पूरे कीरत में हर जगह से हटाने हैं, क्योंकि ये भी उसका प्रोपोगंडा है। जगह जगह पेगन मिन कर क्या रहा है पूरे कीरत में, उसने जगह जगह इस तरीके के पोस्टर लगाए हुए हैं और इसी तरीके के ये जो टावर्स हैं। अच्छा तो अपन को जैसे ही अपन इस टावर को वो करेंगे हाईजैक करेंगे, उसके बाद अपना मैप से फॉग हट जाएगा पूरा और अपना मैप खुल जाएगा। तो अपन को एक्सप्लोर करने के लिए और देखने के लिए कि क्या है आसपास, उसके लिए भी अपन को जरूरी है ये करना। ठीक है यहां से ऊपर जाना है, लेकिन आप देख रहे हो नीचे वाले साइड मैप में, नीचे हुड में दिखाई दे रहा है वो दो ज्वेल डायमंड से बने हुए, तो अपन को ये बक्से भी ढूंढने हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ऊपर से मेरे को वापस नीचे आना पड़े। ये क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी वार्निंग, देखो साला कैसा नाटक है साले का। ठीक है ये टावर है खतरनाक है, क्लाइंब खतरनाक है, लेकिन कोई ऊपर थोड़ी चढ़ रहा है,
उसने साले ने क्या बोल रखा है, ऐसा हरामी है, लोगों को ये कह रहा है कि ये खतरनाक है, इसलिए मैंने अपने यहाँ पे सोल्जर लगा रखे हैं, तो मैं बड़ा अच्छा हूँ। साला झूठा कहीं का, बहुत हरामी है पेगन बिन। अरे एक मिनट, मेरे को नीचे कुछ दिखाई दे रहा है, वो रहा देखो चमक रहा है, ये मिल गया अपन को। और ये अपन ऊपर चले जाते हैं ना, अपन को फिर यहाँ पे नीचे आना पड़ता साला इसको लूटने के लिए। तो ये लूटते हुए चलो, वो सबसे अच्छा रहता है। अरे ईगल बच गए लेकिन, चलो अच्छा यहाँ से कूदना है, ठीक है यहाँ तो ऊपर ही चढ़ना है, यहाँ सामने जाने का रास्ता नहीं है। अरे यार कितनी खतरनाक क्लाइंब है, हिल कैसे रहा है देख रहे हो आप, हिल रहा है पूरा का पूरा टावर, हिल रहा है साला हवा से, क्योंकि हाइट पे और पूरा लकड़ी का तो बना हुआ है तो हिल रहा है साला। कैसे आवाज आ रही है देखो लकड़ी की, उसके हिलने की आवाज भी आ रही पूरे टावर की, कितनी बुरी फट रही है यहाँ पे। अच्छा वो सोल्जर है नीचे, वहां पे कोई मेरे को बक्सा तो दिखाई नहीं दे रहा, तो अब अपन यहां से ऊपर चलते हैं। मैं ज्यादा लटकूंगा तो अभी पता चला गिर गया, ऊपर चलते हैं। अब यहां पे मैं एक बार देख लेता हूं, एक ही नहीं अभी दो और हैं जूल वाले, एक तो ये रहा चलो मिल गया अपन को। अब एक और दिखाई दे रहा है, इधर देख लेता हूं, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं दिख रहा, और इधर भी नहीं है, और इधर भी नहीं है, कहीं नहीं है। चलो ठीक है, मुझे लगता अब नीचे और है, तो अब अपन ऊपर चलते हैं। ऊपर भी हो सकते हैं ना, ऊपर भी होंगे ही ऑब्वियसली। अरे वाह अपन बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं। अच्छा एक और बक्सा मिल गया, लेकिन ये रहा पहले अपन को ये करना है। ओ यस, बेल टावर लिबरेटेड, 1 of 17। अच्छा 17 बेल टावर हैं। अरे ये क्या हो रहा है। अच्छा अब अपन को ये जगह दिखाएगा जितनी अपन ने लिबरेट करी है। प्रभाकर फार्म, प्रियेश के पापा का फार्म है ये। मेरा दोस्त है प्रियेश, उसके पिताजी का नाम प्रभाकर है। ओल्ड ईशाज हाउस, ईशा तो छोड़ो क्या बताऊं मैं आपको। कीराज रिफ्यूज, अच्छा ये कोई मंदिर है, कीराज रिफ्यूज ओके। अच्छा देखो अब अपना ये फॉग क्लियर हो जाएगा और अपन को मैप पे दिखाई देने लग जाएगा कि किस जगह पे क्या है। अच्छा तो ये जो जानवर बने हुए हैं ये सब यहाँ पे हंटिंग के लिए अवेलेबल है, इस एरिया में ये जानवर है और इनको अपन यहाँ पे हंट कर सकते हैं। सारे जानवरों का इसलिए यहाँ पे मैप पे दिया हुआ है। अच्छा ये लोकेशन है जिन पे अपन जा सकते हैं। जानवरों का इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अपन को बहुत ज्यादा हंटिंग इस गेम में करनी पड़ती है, क्योंकि अपन को चीजें क्राफ्ट करनी पड़ती हैं। एक बोरा मिल गया अपन को सामने, चीजें क्राफ्ट करनी पड़ती हैं। अच्छा इधर से नहीं खोल सकता मैं उसको, इधर से जाके खोलना पड़ेगा ओके। अच्छा एक्सपी मिल गया अपन को, मेरे को लग रहा है अपन को एक और वो मिल गया, स्किल पॉइंट मिल गया, बिल्कुल मिल गया, देखें एक बार। हाँ मिल गया ना, एक स्किल पॉइंट और मिल गया। अरे यार 70 पॉइंट कम रह गए, सिर्फ एक और मिल जाता और फिर अपन 2 पॉइंट वाला खरीद सकते थे। तो अभी 1 पॉइंट वाला ले लूं या 2 पॉइंट वाले के लिए वेट करूं, यार 1 पॉइंट वाला ये वाला परचेज ही कर लेता हूं ना, ठीक रहेगा, या छोड़ दूं अभी। डेथ फ्रॉम अबव काफी अच्छा है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पार्ट है। जितनी बार इसमें ऐसे स्किल पॉइंट मिलते हैं ना तब बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन फिलहाल अपन ये परचेज कर ही लेते हैं ना, क्योंकि ये भी तो अपन को चाहिए ही, थोड़े टाइम बाद जब दूसरा मिलेगा तब दूसरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और स्किल पॉइंट तो अभी मिलने वाला है थोड़ी देर में। यार देखो टावर हिल कैसे रहा है यार, गजब है। अरे भाई यहाँ पे भी एक जिप लाइन है जिससे अपन डायरेक्टली नीचे जा सकते हैं। सवाल क्या कह रहा देखा, Longinus? अच्छा कोई Longinus है? अच्छा तो कोई Longinus है जिसके पास अपन को जाना है, वो प्रीस्ट है और वेपन्स डीलर है, तो वेपन्स के लिए अपन को उसके पास जाना है, क्या पता क्या होगा, चल के देखेंगे। अरे यार ये क्या है। अच्छा कोई बंदा यहाँ रेडियो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो यूजुअली होता है वो है नहीं, तो क्या करें, अर्जेंट है यार, अपन ही ले लेते हैं चलो। Is that you? There's nobody here by that name. Gale, he's overdue. Who is this? AJ Gale. And who is this? Ajay Gale? One moment. Ajay. Right, I know who you are. I'm Gopal with the Golden Path. We could use your help. My unit handles supply drops for the cause, but I'm short-handed here. The Royal Army is resupplying troops in the area. I'm sending you the coordinates for the drop site now. Grab the packages before the Royal Army can secure them. What's in the packages? अच्छा. Supplies. Things we can use. Okay, I'll get your stuff. अच्छा, कोई packages है? जो यूजुअली तो बिंद नाम का कोई है, एक मिनट देख लू जरा जाना कहां पे है। ओके यहां जाना है अपन को, ओके वहां पे जाना है, और रास्ता तो बड़ा सीधा साधा ही दिख रहा है,
इस पे एटीवी पे बैठ के मैं सीधा सीधा निकल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो विंद जो है वो यूजुअली ये काम करता है, पैकेजेस आते हैं जो वो कलेक्ट करता है। लेकिन विंद अभी पता नहीं कहाँ चला गया है, तो उसने बोला कि बड़ा अर्जेंट है और आप चले जाओ। अरे यार ये कौन सा जानवर है यार, ये जानवर चाहिए क्या अपन को, इसकी मतलब स्किन चाहिए क्या अपन को? एक मिनट मैं देखूं जरा, भाग गया एक तो साला, दूसरा भी भाग गया। अब मैं कहां उसके पीछे पीछे भागूंगा, तो मैं पहले एक मिनट देख लेता हूं इसकी स्किन अपन को चाहिए कि नहीं चाहिए। एक मिनट, अच्छा ये मलयन तेपिर करके कोई सा जानवर है, एक मिनट, इसकी स्किन अभी तो नहीं चाहिए अपन को। हाँ अभी तो दिख नहीं रही है, तो जब चाहिए होगी उस समय हंट करेंगे, छोड़ो अभी जरूरत नहीं है, अभी अपन जो मिशन है वो करते हैं पहले। तो ये जो वेपन्स आए हैं अभी, जो पैकेजेस आए हैं इसमें सप्लाईज है। अरे ये कौन है, भेड़िया लग रहा है, नहीं भेड़िया तो नहीं है, कुछ और ही है, कोई छोटा कुत्ता टाइप का लग रहा था, भेड़िया से तो छोटा ही लग रहा था, लेकिन है डेफिनेटली डेंजरस वो, क्योंकि जिस तरीके से लग तो ऐसा ही रहा था मेरे को कि वो डेंजरस है, तो अपन को काट सकता है साला। तो अपन अरे काटा 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 काटा, वही है साला, और भी थे साले, एक को तो मार दिया था मैंने, और भी थे। ये देखो साले कहां भाग रहा, इधर आ। अच्छा ये वो है ढोल, ढोल करके इसका नाम ढोल है, ढोल कोई सा वहां पे कुत्ता होता है, ये डॉग की कोई सी ब्रीड है, डॉग और भेड़ियों का कोई मिक्सचर होगा साला, क्या पता क्या है। ये है बड़ा खतरनाक, इसकी स्किन चाहिए क्या अपन को? ये रही 2x डोल स्किन अपन को बेट बैग के लिए चाहिए, तो इसको तो मार ही लूं साले को, इसकी स्किन की जरूरत है ना। तो भाग गए साले दोनों, तो मैं यहां पे पहले ये लूट लेता हूं, और आ गए साले आ रहे हैं, ऊपर चढ़ जाऊं ताकि ये अटैक ना कर पाए। ये रहा साला, कहां भाग रहा साले, ये देखो मतलब फुल काटने के लिए रेडी है साला। चल एक तो निपट गया, दूसरा भाग रहा है, भाग कहां रहा है साले, भाग गया दूसरा, तो इसकी स्किन ले लेता हूं पहले फटाफट। एरो से मारा ना तो अपन को स्किन डबल मिलेगी, दो स्किन तो मिल भी गई अपन को, क्राफ्टिंग अब अपन कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसको मार दूं साले को। एक लग गया तीर और ये दूसरा नहीं लगा, ये लग गया, तो दोनों मार दिया अपन ने। क्लीन किल करने पे अपन को डबल स्किन मिलती है, तो अब एक यहां पे भी ये डायमंड दिख रहा है मेरे को, ये लूट लूं मैं जरा फटाफट, और अब अपन यहां से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। डोल तो और दिख नहीं रहे, फर्स्ट पैकेज अपन ने कलेक्ट कर ही लिया है, अब अपन को यहां से निकलना है। मैं एक बार जरा इसकी डोल की स्किन कलेक्ट कर लूं, उसके बाद अपन यहां से निकलते हैं। अपन को अब 250 मीटर दूर जाना है दूसरी तरफ, तो अब अपन यहां से चलते हैं। मेरे ख्याल में दूर तो काफी है, इसको क्राफ्ट कर लेता हूं मैं बेट बैग को जरा, तो अपना जो इन्वेंट्री है उसमें से दो स्किन कम हो जाएंगी, और अपना बेट बैग भी बड़ा हो चुका है, और अपन यहां से ग्रैपल करके चल सकते हैं। अब अपन एटीवी यहां से चलाएंगे तो बहुत दूर, बहुत देर लगेगी, बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया अपन यहां से सीधा ऊपर चलते हैं और इस गेम को वैसे खेलते हैं जैसे खेलने के लिए बना है, बिल्कुल मस्ती से हर तरफ नेविगेट कर सकते हैं अपन, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ नेविगेट किया जा सकता है इस गेम में, काफी सारी चीजें हैं। जैसे आपने देखा अपन ने जिपलाइन करके नीचे आ गए आराम से, मतलब फुट पे ही अपन सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत अच्छा नेविगेशन सिस्टम है गेम का। यार मेरे को तो सबसे खूबसूरत चीज इस गेम की ब्यूटी लगती है, इतना खूबसूरत गेम है। अच्छा यहां जाना अपन को अब नेक्स्ट, ठीक है तो यहां से ऊपर से ही चलता हूं मैं इस गांव को, ये छोटा सा एरिया है इसको भी एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। यहां पे मेरे को डायमंड नजर आ रहे हैं काफी सारे, ये क्या है पता नहीं क्या कर रहा साला जमीन पे, मैं यहां पे इसको एक्सप्लोर करता हुआ चलता हूं ठीक रहेगा। एक मिनट, यहां पे कुछ है कुछ भी नहीं है, एक ये है सिर्फ, ये अपन लूट लेते हैं और यहां से निकलते हैं, और कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। इसमें कुछ है क्या? इसमें भी कुछ नहीं है। लूटना भी इस गेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लूट से ही अपन को चीजें मिलती हैं जिनसे अपन अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करते हैं आगे चल के, तो ये बहुत जरूरी है, ये सब इस गेम का पार्ट है। अब और तो कोई लूट बैग मेरे को यहां पे लूट वाला दिख नहीं रहा है, यहां नीचे है, तो यहां चलते हैं अपन, क्योंकि आगे से फिर अपना कूदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा नीचे। ये रहा, मिल गया, ये भी लूट लिया, ठीक है। अब और तो कुछ भी मेरे को यहां पे नजर नहीं आ रहा है, ये क्या है यार? अच्छा कोई सी चिड़िया है, ठीक है। यहां से अब अपन चलते हैं, ऊपर जाने का कोई काम नहीं नजर आ रहा मुझे अभी, कोई जरूरत नहीं है, अपन को जाना इधर है, 80 मीटर और है सिर्फ, तो अभी पहुंच जाएंगे अपन एक मिनट में। अरे ये क्या था,
बच गया यार, पता नहीं क्या था साला, एकदम से डर गया मैं, सामने आ गया ना। अच्छा यहाँ पे एक टीवी, अरे ये क्या है, ओ भेड़िया खड़ा है, भेड़िया, ओ अरे ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा साले, ऊपर चढ़ जा, ऊपर नहीं चढ़ेगा ये इस पे मेरे को लग रहा है, अरे मर गए वो भेड़िया ना आ जाए, आ गया साला, साले राइट शानदार, इसको तो हेडशॉट पड़ गया, भेड़िया एक ही बार में मर गया, बाप रे बची गए इसने, भेड़िया ने यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको मार भी दिया ऑलरेडी, बची गया यार मैं, और तो नहीं है ना उसके भाई बंधु साले के, भेड़िया हमेशा पैक्स में चलते हैं क्योंकि एक अकेला होता नहीं है यहाँ पे, बड़े इत्तेफाक की बात है शायद एक ही है, ये क्या है यहाँ पे कुछ है क्या ये, अच्छा ये लॉन्जिनस ने अपना कोई वो लिखा हुआ है कि मेरे साथ ये लोग बहुत ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है छोड़ लॉन्जिनस के पास अभी चलेंगे थोड़ी देर में, एक ही अपन को मिल गया पोस्टर एक और, इसको हटा देते हैं और अब अपन एक और ये डायमंड है ये ले लेते हैं पहले, उसके बाद अपन ये कलेक्ट करेंगे क्योंकि अपन को पता नहीं है क्या बोलेगा ये इसके बाद। ओके देखो देखा क्या हुआ, इसने 1.5 मिनट दिया अपन को वहां पे पहुंचना है जहां पे डिलीवर करना है, और अभी अपन पहले पैकेज ले लेते और बाद में ये सब कलेक्शन करने लगते ना तो अपना मिनट यहीं पे खराब हो जाता साला, इसलिए मैंने पहले चीजें कलेक्ट करी, जितनी भी लूट करनी थी वो करी, उसके बाद पैकेज कलेक्ट किया, क्योंकि पैकेज कलेक्ट करने के बाद पता नहीं लगता अपन को कि करना क्या है। अरे ये क्या है, ये तो वही ढोल है साले दोबारा, चल साले एक को तो निपटा दिया मैंने, इसी से मार दिया एटीवी से ही। एटीवी के सामने आ गया साला, जाना कहां पे है अपन को, इधर ही जाना है सामने, ठीक है। ये चलाना बड़ा मुश्किल है यार, इसमें थर्ड पर्सन व्यू नहीं है ना, ये बड़ी दिक्कत है। अच्छा यहां जाना है अपन को, ये गुफा सी है इसमें ये दरवाजा बना हुआ है, ओके यहां देना है अपन को ये, ठीक है दरवाजे पे ही पहुंच के दूंगा ये मैं सीधा। हाँ भाई ये लो, अरे ये क्या हुआ, अरे साले तीनों आ गए मेरे ऊपर ही, अरे भाग 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 साले, हील करूं जल्दी से, मतलब भैंस की टांग साले ने अंदर नहीं आने दिया और अपन फंस गए बुरी तरह, अभी तो मार देते ये साले, और ये तो फिर आ रहे, अरे मर जा, अरे मर गया यार मैं भैंस की टांग, ओ बाल बाल बच गया यार, ये तो मार देते साले अभी तो, अरे बड़ा बुरा बचाऊं यार, अभी तो मार देते साले वो रहे साले, रुको मैं तुमको बताता हूं अभी, मेरे को नीचे जाके मेरी एटीवी लेने दो, अभी बताता हूं साले तुम्हारा बैंड बजाता हूं मैं, एटीवी से मारूंगा सालो तुमको, ये तीर से तो हाथ में नहीं आ रहे ना मेरे, एटीवी से साले तुमको रोड किल करूंगा, कुचल दूंगा तुमको सालों को, आ रहा हूं रुको, एटीवी तो निकले मेरी यहां से, भैंस की टांग यही फंस गई है। चल साले चल साले, हट गंडक, ये साले मेरे को दुखी कर रहे हैं, दो बार मार दिया, दो मेरे हीलिंग वो खराब करा दिए इन्होंने, हीलिंग पाउच इंजेक्शन से थे ना यार जिनसे अपन ने हील किया अपने आप को, दो खराब हो गए इनके सालों के चक्कर में। खैर अब अपन यहां पे रुकते नहीं है, अपन सबसे पहले तो अब देख लेते हैं, नहीं अभी अपन को मिला नहीं है और एक्सपी पॉइंट, अभी अपन को और पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब अपन क्राफ्ट भी अभी कुछ भी नहीं कर सकते, कलेक्शन में अभी अपन को कुछ भी देखने की भी जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है, अब अपन लूट नहीं पा रहे हैं तो, लेकिन यार कुछ भी डिस्कार्ड करने का मेरा मन नहीं है, है ना, डोज स्किन ऑलरेडी अपने पास है, अभी दो है, अब मैं इनमें से या तो कोई चीज डिस्कार्ड करूं और या अब जाके मैं अपनी, अरे यार ईगल आ गई, ईगल आ गई, ये ईगल की आवाज आई ना अभी, ये मारती है साली बहुत बुरा, तो अब मैं यहां से काम करता हूं, सबसे पहले चलता हूं फास्ट ट्रेवल करके, यार मेरी बड़ी गंदी आदत है एस्केप दबाने की, फास्ट ट्रेवल करके अपन कीरत पे वापस जा सकते हैं, तो फास्ट ट्रेवल करके यहां पे चलते हैं और अपन जितनी चीजें अपने पास बैग में है वो बेच देते हैं। एक मिनट, कीरत वाले हमेशा यही बोलते हैं, कीरत लिखा हुआ आता है और कहते हैं एक मिनट, एक मिनट लगता नहीं है, आप टेंशन मत लो, मेरा कंप्यूटर बहुत फास्ट है, देखो लोड हो गया ना फटाफट। अरे वाह, अच्छा ये इनका सेफ हाउस टाइप का है जहां पे अजय आके सोता है, ओके ये क्या है, कम्युनल सेफ हाउस, देखो तो ये सवाल ने मैसेज किया हुआ है कि भैया यहाँ पे जो भी सोएगा साफ सफाई का जिम्मेदारी पूरी उसकी है, कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है, सब लोग इसी में सोते हैं। ये क्या मिला अपन को, अरे वाह अजय के बाप की कोई जर्नल मिली अपन को, मोहन गाले की, तो ये अपन देख लेते हैं जरा क्या है, और इससे अपन को एक्सपी पॉइंट भी मिल गए। अच्छा इसने कोई अपनी जर्नल लिखी थी बैसाख 1981 में कि इसकी शादी थी शायद उस वक्त, तो उस वक्त की इसने कोई जर्नल लिखी थी तो वो मिल गई है, तो अजय ये कलेक्ट करता है जर्नल्स जितनी भी है उसके बाप की जगह जगह कीरत में है। अच्छा यहां पे अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है तो यहां पे भी अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें कॉम्युनल सेफ हाउस में आके, जरूरी नहीं है कि अपन सिर्फ शॉप पे जाएं वहीं पे करें, तो ठीक है। अब अपन को ये वोल्फ की स्किन मैं सारी बेच देता हूं क्योंकि वोल्फ की स्किन अभी अपन को कुछ भी क्राफ्ट करने के लिए नहीं चाहिए। अरे यार मेरा वॉलेट फुल हो गया। बताओ जरा
पैसा बहुत हो गया लौंडे के पास, तो चलो अब अपन चीजें खरीद लेते हैं, अपन को खरीदनी है ही है वैसे भी। तो अपन सबसे पहले चलते हैं, और क्या खरीदूं सबसे पहले, इसको अभी मैं ले नहीं सकता है ना, तो यार मेरे को पहले एक वो करना जरूरी है ना यार, एक वो बनाना है मेरे को, क्या बोलते हैं, वेपन होल्स्टर। तो मैं बॉडी आर्मर एक परचेज कर लेता हूं, और मैं काम करता हूं मैप्स खरीद लेता हूं, क्योंकि मैप्स से मेरे को जगह जगह पता लगता रहेगा कि कहां पे क्या है, जो जो चीजें अपने को लूटने के लिए चाहिए, या जो अपन को पोस्टर्स हटाने हैं, जितनी भी चीजें, जो भी इसमें गेम में मिशंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनसे अपन को एक्सपी पॉइंट मिलेंगे। एक्सपी पॉइंट बहुत जरूरी है, जब तक अपन ये मिशन के ऑब्जेक्टिव्स नहीं करेंगे तब तक अपन को एक्सपी पॉइंट कम मिलेंगे, और एक्सपी पॉइंट के बिना अपन अपने स्किल्स नहीं बढ़ा सकते, और स्किल्स मेन मिशन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो गेम बड़ा इंटरट्वाइंड है आपस में, एक दूसरे से चीजें सब जुड़ी हुई है, और जैसे जैसे अपन एक चीज करते हैं वैसे वैसे दूसरी चीज अपन को खुलती जाती है। अच्छा, यहाँ पे अपन को 20% डिस्काउंट मिलता है, तो मैं एक बार रिफिल कर ही लेता हूँ एमओ को। अब अपने स्किल पॉइंट खुल चुके हैं, अब अपन को अपन 2 पॉइंट वाला परचेज कर सकते हैं। मुझे पता है मेरे को क्या परचेज करना है, मेरे को सबसे पहले ये डेथ फ्रॉम अबव परचेज करना है। कैजुअल मार्क्समैन में ये हो जाएगा कि मेरे को जूम नहीं करना पड़ेगा, और जूम के बिना मैं अच्छे से मार सकता हूं, लेकिन ये मैं बाद में लूंगा, अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं लग रही। और ट्रेड एग्रीमेंट में भी अभी मेरे को जरूरत नहीं है, डेथ फ्रॉम अबव ही बेस्ट है। मैं हेल्थ बढ़ा लूं, या अभी मरने वाले थे अपन जब अपन को वो ढोल ने साले ने अटैक किया था, लेकिन छोड़ यार, बाद में करूंगा, अभी पहले अपन ये डेथ फ्रॉम अबव ले लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं असैसिन्स क्रीड की तरह लोगों को ऊपर से कूद के मार सकता हूं। अच्छा, यहां पे मैं टाइम भी सेट कर सकता हूं कि मुझे उठना कितने बजे है। मस्त यार, ये बढ़िया फीचर है। तो जब भी मैं ये चाहता हूं कि मेरे को कुछ मिशन करना है, तो मैं यहां आके सो जाऊं और सुबह के 9 बजे का टाइम सेट कर दूं सपोज, तो क्या होगा, मेरे को पूरा दिन मिल जाएगा उसके बाद, और पूरा दिन मतलब धूप में मैं आराम से मिशन कर सकता हूं, लाइट अच्छी रहेगी, अंधेरे में मिशन करने में प्रॉब्लम होती है। मस्त यार, तो अभी मैंने जो ये 6 बजे का सेट किया, मैं देखना चाहता हूं ये शाम के 6 बजे या सुबह के 6 बजे। ओके, ये तो शाम के 6 बजे हैं, क्योंकि देखो कितनी रात है यार, विजिबिलिटी तो काफी अच्छी है। लेकिन खैर, इस वीडियो को अब अपन यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।